अब हम डिस्कस कर लेते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो कि आपकी एक्सरसाइज में तो पहली जेनेटिक प्रॉब्लम ये है कि द क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अन नॉन जीनो टाइप टू अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द जीनो टाइप इट व डिस्ड बाई में रिकोगनाइज द जीनो टाइप ऑफ एन अन ऑर्गेनिज्म अब उन्होंने जो एक जीनो टाइप है वो हमें एक्सप्लेन कर दिया जो कि है होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि लेट्स सपोज करें कि वो हमारे पास आर आर है अब इसके लिए जब आपके पास आपने पेरेंट्स की जिनों टाइप फाइन करनी हो तो आपके लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि आपके पास जो यानी जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उन सब की जो है वो आपके पास आए अब यहाँ पे आप देखो तो सब के जो है वो क्या रहा है? 100 आ रहा है हंड्रेड परसेंट राउंड आ रहा है इट मीनस के जो सारे सीड्स हैं वो जो है वो हैट्रोजाइगस हैंट्रोजाइगस क्यों है, है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो एक पेरेंट की जीन है वो तो रिसेसिव है तो इट मीन्स के जो दूसरा पेरेंट होगा वो डेफिनेटली जो होगा वो ए उसके पास एक अलील तो होगी अगर उसके पास एक ही होता तो इसमें एक ऐसा होना चाहिए था जिसके पास जो है वो एक रिसेसिव अलील भी आती जो कि एक्सप्रेस होती अगर उसके पास एक स्मॉल आर यहाँ पे भी होता एक स्मॉल आर होता तो यहाँ पे एक रिसेसिव होनी चाहिए थी लेकिन क्योंकि सारी हंड्रेड परसेंट है तो डेफ़िनेटली उसके पास जो है वो कैपिटल आर कैपिटल आर है तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो बॉक्स में शो करूँ तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैप स्मॉल आर स्मॉल आर तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल तो इस कंडीशन की वजह से सारे जो हैं वो हाइट्रोजाइगस हैं और हाइट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि वो सारे जो हैं वो राउंड सीड प्रोजिनी शो करें तो हमेशा याद रखें कि जब तक आपके पास और का जो है वो डाटा नहीं होगा उसको आप यूज़ करते हुए पेरेंट्स का जीनोटाइप फाइन नहीं कर सकते सेकेंड केस है हमारे पास कि जो एक सीड है वो हाइट्रोजाइगस है और उसने जो है वो ग्रो किया प्लांट जिसके अंदर दो गेमिट्स हुए एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर अब जो रिंकल सीड है उसके पास तो एक ही टाइप ऑफ आर है तो अब फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है वो क्या हुआ है कि फ़िफ्टी परसेंट राउंड आए और फिफ्टी परसेंट रिंकल्ड आएँ तो इट मीन्स कि हमारे पास एक पेरेंट जो है वो क्या है हेट्रोजाइगस है एज इट शोज और दूसरा क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव है तो अगर ये क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल तो फिफ्टी परसेंट आपके पास राउंड आ रहे हैं और यहाँ पे स्मॉल 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 और फिफ्टी परसेंट आपके पास रिंकल्ड आ रहे हैं तो ये उसी कंडीशन में हो सकता है जबकि आपके पास जो है वो आपके पास एक सीड या एक पेरेंट प्लांट जो है वो रिंकल्ड हो होमोजा रिसेसिव हो अब आपने यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जो है वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये समाइम सवाल जो है वो गलत हो जाए तो आप लोगों ने ऐसे भी कर लेना है कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जो है वो होमोज़ाइगस हेट्रोजाइगस से करके देख लें आपके जहन में जितने भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स जीन्स आते हैं आप उन सब के साथ टेस्ट कर लें जो आपको 50 परसेंट राउंड और 50 परसेंट रिंकल कह रहा है आप उसी को जो है वो नीट करके जो है वो लिख लें और एग्ज़ाम्स में जो है वो आप दे दें हमेशा याद रखें कि जिनेट्रिक क्वेश्चंस के लिए आपके पास नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसमें ये है कि फोर ओ प्लांट जो है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है उसके पास वाइट फ्लावर आए हैं और उसकी जो एफ फर्न है वो सारे पिंक फ्लावर्ड हैं तो इससे जो है वो क्या रेशियोज होंगे अगर उसने जो है वो रेड को रेड ने क्रॉस किया रेड हमारे पास आपने अब इस केस में याद रखना है कि जो रेड होता है वो डोमिनेंट होता है वाइट हमारे पास जो है वो रिसेसिव होता है और अगर रेड और वाइट मिक्स होंगे ऐसा यानी कि एक अलील रेड का है और एक अलील वाइट का है तो हमारे पास जो हैट्रोजाइगस कंडीशन होगी उस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है वो पिंक फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा एक डोमिनेंट शो नहीं करेगा तो इस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम लोग इन क्रॉसेस को सॉल्व करते हैं तो पहला क्रॉस जो है वो हमारे पास क्या है कि पेरेंट्स जो है वो रेड प्लांट हैं तो एक पेरेंट का जो है वो भी कैपिटल आर कैपिटल आर दूसरे कभी जो है वो कैपिटल आर कैपिटल आर उनके जब हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर अब यहाँ भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर तो क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो फिनो भी जो है वो बच्चों के सारी आइडेंटिकल होगी और रेड कलर होगी फिर हमारे पास आया कि जो पेरेंट है वो रेड है और जो एक पेरेंट है वो पिंक है पिंक कब शो होगा जब हेट्रोजाइगस होगा यानी कि एक कैपिटल आर और दूसरी जो है वो स्मॉल आर जो कि वाइट को शो कर रहा है अब इसमें हम लोग कर लेते हैं इसके अलील्स बना लेते हैं यहाँ पे एक पेरेंट क्योंकि पिंक रेड है तो रेड का मतलब क्या है दो कैपिटल आर एक पिंक है तो इट मीन्स कि एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है अब यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर विट मीन्स कि यहाँ पे रेड होगा फिर हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल आर यहाँ पर भी रेड है एक कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे पिंक आ रहा है और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे भी पिंक शोर है फिर अब हम बात करते हैं कि जो पिंक है वो क्रॉस कर रहा है वाइट के साथ तो पिंक का मतलब क्या है कि कैपिटल आर स्मॉल आर और वाइट का मतलब है स्मॉल आर स्मॉल आर तो इसको अगर हम क्रॉस करें कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे जो है फिर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है कि ये पिंक हुआ दोनों स्मॉल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है कि रिसेसिव है तो रिसेसिव का मतलब क्या है वाइट और ये फिफ्टी फिफ्टी रेशियो जो है वो प्रोड्यूस हुई है जीनो में भी एंड फिनो में भी फिर हमारे पास जो है वो फोर्थ ऑप्शन है कि रेड जो है वो रेड से क्रॉस हो रहा है तो अगेन व्हाइट और वाइट से क्रॉस हुए तो व्हाइट मीन्स के स्मॉल आर स्मॉल आर और यहां पे भी स्मॉल आर स्मॉल आर तो स्मॉल आर स्मॉल आर तो ये सारे जो हैं ये आपके व्हाइट प्रोड्यूस हुए अब उसके पास हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जो मैन है उसका है ब्लड टाइप ए और और उससे जो है वो वुमेन के साथ मैरी किया जिसका है जिसका ब्लड टाइप है ए बी तो अब बच्चों में क्या ब्लड टाइप आएगी अब हमें ये नहीं पता कि जो है वो जो फादर है ए ब्लड टाइप दो कंडीशन में आती है या तो आपके पास जो है वो एक आई हो एक ए हो या आपके पास दोनों ए हो तो अब हमें नहीं पता कि जो है वो हैट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं तो हम दोनों को जो है वो ऑप्शंस को यूज करते हुए जो है वो प्रोजनी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे इसके अगर मैं यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ करूँ कैपिटल ए बी फीमेल का मदर का फादर का जो है वो हमारे पास दो केसेस है तो हम एक केस में जो है वो ले लेते हैं कैपिटल ए और कैपिटल ए अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये हमारे पास आया है केस वन अब इस केस वन के अंदर हमारे पास जो है वो फिफ्टी परसेंट चिल्ड्रन जो है वो ए ब्लड ग्रुप के हैं और फिफ्टी परसेंट जो है वो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप के सेकेंड केस में हम लोग इमेजन करते हैं कि जो मेन है वो हैट्रोजाइटस है अगर मैं उसका क्रॉस ड्रॉ करूँ तो फीमेल अगेन सेम है क्योंकि फीमेल के पास दोनों अलील्स हमें पता है इस केस में हमारे पास जो है वो एक आई आगे और एक आगे हमारे पास ए तो पहला होगा ए आई फिर होगा बी आई देन हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल ए कैपिटल बी इस केस में हमारे पास जो है वो टू चिल्ड्रंस उनका फिफ्टी परसेंट जो है उनके ए ब्लड ग्रुप होगा ट्वेंटी फाइव का बी होगा और ट्वेंटी फाइव का ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो क्योंकि हमें इधर फादर का जो था वो जीनोटाइप टाइप कन्फर्म नहीं था तो हमने दोनों केसेस करके जो है वो दो टाइप्स जो है वो शो कर दिए अब हम हमारे पास एक क्वेश्चन और आया जिसमें है कि टू वाइट शीप्स हैं जिन्होंने ब्लैक ऑफ जो है वो प्रोड्यूस किया अब ब्लैक ऑफ उसी कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है पेरेंट जीनो टाइप फॉर द कलर वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग है हम इसमें ये इमेजिन करते हैं कि जो वाइट है क्योंकि दो वाइट ने एक ब्लैक प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली आपका जो वाइट है वो क्या है डोमिनेंट है ऐसी जीन्स जो कि जब आपस में क्रॉस हो फिनोटाइप सेम हो और उनका जो उनके जो ऑफ के अंदर फिनोटाइप है वो डिफरेंट आ रहा है पेरेंट के आइडेंटिकल फिनोटाइप से तो इट मीन्स कि वो जो पेरेंट के फिनोटाइप है वो हैट्रोजाइगस होते हैं तो इस केस में जो पेरेंट है वो उनको हम इमेजिन करें क्योंकि दोनों वाइट हैं और उनके पास जो वो ब्लैक प्रोड्यूस हो रहा है तो दोनों डोमिनेंट हैं लेकिन हेट्रोजाइगस और ब्लैक आ गया ब्लैक हमारे पास जो है वो रिसेसिव है अब हम लोग जो है वो इसमें इसका क्रॉस कर लेते हैं ए कैपिटल ए फॉर द वाइट स्मॉल ए फॉर द ब्लैक कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अब इधर अगर मैं देखूं तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए अब ये जो स्मॉल ए स्मॉल ए ये रिसेसिव है तो इसलिए ये ब्लैक है बकाय जो तीनों है ये आपको वाइट वाइट व्हाइट जो है वो शो करे तो हमारे पास जो है वो तीन वाइट हैं और एक जो है वो हमारे पास ब्लैक है तो ये हमारा जो है कंक्लूजन है कि वो जो है वो ब्लैक और वाइट है फिर हमारे पास जो है वो एल्बिनिज्म की है कि एल्बिनिज्म जो है वो रिसेसिव ट्रेड की वजह से होता है अगर नॉर्मल पेरेंट्स जो है उनका एक अलबिनो चाइल्ड होता है तो इट मीन्स कि उनकी कितनी परसेंट चांस है कि उनका अगला चाइल्ड भी जो है वो अलबीनो तो नॉर्मल पेरेंट्स का मतलब क्या है कि नॉर्मल पेरेंट्स अब यहाँ पे अगेन देखें कि नॉर्मल मीन्स के उनके पास वो ट्रेट नहीं है लेकिन बेबी में वो ट्रेट जो है वो शो हो रहा है जो कि पेरेंट्स में नहीं है दैट मीन के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हैट्रोजाइटस हैं तो इसी लिहाज से अगर मैं क्रॉस इसका ड्रॉ करूँ एक हम ले लेते हैं नॉर्मल कलर के लिए स्मॉल ए इज फॉर एल्बिनो देन नॉर्मल कलर एंड एल्बिनो तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए तो उसमें जो उनका बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो जो है वो आपका एल्बिनो है इसमें बकाया जो तीनों हैं वो नॉर्मल हैं तो इट मीन्स कि अगर एक बेबी ऑलरेडी एल्बिनो हो गया तो इसके बाद कोई चांसेस नहीं होंगे कि नेक्स्ट जो बेबी होगा वो आपका एल्बिनो होगा और इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट चांस हैं कि नेक्स्ट बेबी जो होगा वो आपका क्या होगा नॉर्मल होगा तो इसके साथ ही हमारे जो आपकी बुक के अंदर जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वो हम लोगों ने जो था वो स्टडी कर लिया इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे थैंक यू